रमजान का महीना चल रहा है, हाउ मच यू आर कीपिंग योरसेल्फ हाइड्रेटेड? बिकॉज गर्मी भी काफी है, क्योंकि होल डे पास इज नॉट इजी एट ऑल. सो हाउ मच यू आर कीपिंग योरसेल्फ हाइड्रेटेड डूइंग दिस Actually, मंथ? I don't, because obviously we are keeping roza from I think 4:15 के बाद से. यहाँ पे बरेली का ऐसा है कि 4:15 से लेकर 6:46 तक I think you can't eat anything, and drink, obviously you can't drink anything. तो उसके बाद जितना भी टाइम होता है तो I keep hydrating myself जितना मुझे टाइम मिलता है, because I'm not sleeping the whole night. और मैं सुबह सहरी करके सोती हूँ, and then the whole day mostly before, you know, like pretty late. I don't want to give any numbers, but pretty late. I wake up like pretty late. But the lockdown effect, I think last year I was going through the same thing, and now again I'm going through the same thing. But yeah, and like जब तक मैं जाग रही होती हूँ तब तक I keep myself self hydrated, because that's really important. Because corona से लड़ने के लिए जो जंग भी है उसके अंदर भी you have to keep yourself hydrated properly, and obviously all your vitamins and everything. अपना इम्यून सिस्टम बहुत ही करेक्ट रखना है आपको. सो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स क्वाइट चैलेंजिंग व्हेन यू कीपिंग रोजास, बिकॉज़ फॉर गुड 16 17 आवर्स इन द डे टाइम जब खाना होता है यू आर नॉट ईटिंग. सो या सो जितने लोग रोजा रख रहे हैं तो दे हैव टू बी मोर मोर केयरफुल आई फील. बट आई विश ऑल द लक, क्योंकि अच्छा महीना है, रमजान का महीना है, एंड ऊपर से नवरात्रि भी चल रहे हैं. सो आई होप कि जो होली मंथ चल रहा है इस सब से, यू नो, कोविड जल्दी से चला जाए. आई जस्ट वांट इट टू गो फॉरएवर. ओके सर, ही जब रमजान आता है तो सबसे खास चीज आप क्या करती हो? व्हाट इज द स्पेशल थिंग यू लव टू डू ड्यूरिंग दिस रमजान पीरियड, एंड यू ऑलवेज वेट फॉर दैट, यू नो, कब रमजान आएगा तब? आई ऑब्वियसली सबसे पहले तो इबादत, इबादत का महीना है तो इबादत करना है. And then I look forward to lot of amazing food. Iftar करते हैं तो बहुत ही amazing खाना खाने को मिलता है. I really look forward to it, क्योंकि पूरा साल we avoid to have, you know, oily food नहीं खाना है, and mostly I'm on diet, so I don't really eat. But during Ramzan, I don't want to diet at all, because I think we anyway doing fasting. The fasting खुद पतला कर ही देता है, but then in the evening iftar के time पे then we are having pakodi and papad, fried, everything fried. Yes. Okay, that's my little niece coming here. Hi. Hi. बेटा यहाँ बैठ जाओ, मैं इंटरव्यू दे रही हूँ ना. सो या ओके सो हिमा, व्हाट इज योर फेवरेट थिंग, फेवरेट फूड वी कैन से यू लव टू ईट ड्यूरिंग द रमजान? फाइव थिंग यू हैव टू से. सो टुडे आई एट वन ऑफ माय फेवरेट्स, आलू चाट. आई लव ईटिंग आलू चाट, एंड माई सिस्टर कुक्स दिस अमेजिंग आलू चाट. तो आई ईट आलू चाट. आई लाइक, नोबडी लाइक्स बैंगन टू बी ऑनेस्ट, इवन आई डोंट लाइक, बट आई रियली लव बैंगन के पकौड़े. बहुत अमेजिंग मेरी मम्मा बनाती है बैंगन के पकौड़े. टू देन बिरयानी, चिकन बिरयानी, और मतलब विदाउट डाउट चिकन बिरयानी, हलीम एंड बटर चिकन. दिस लाइक फाइव थिंग जो मैं हर 5 दिन में सेम बनवा सकती हूँ. आई डोंट माइंड, आई डोंट वांट टू ईट एनीथिंग एल्स. आई कैन ओनली ईट दिस एंड सर्वाइव थ्रू आउट माय रमजान. सो या ओके, आई थिंक द बरेली जाने का एक फायदा हो गया कि नो रोजा आप अच्छी तरह. यस यस, विद माय फैमिली, बिकॉज़ मैंने जब यहाँ पे स्टार्टिंग के 2-3 रोजे मेरे बॉम्बे में थे, एंड आई फेल्ट सो वियर्ड, बिकॉज़ आई हैड नथिंग, लाइक यू नो, अब जब जब यू नो हम रोजा होता है तो पूरा दस्तरखान लगता है यहाँ पे, एंड यू हैव सो मच टू ईट. बट वहां पे मैं बहुत ही सैड सा अकेली थी, एंड आई वाज जस्ट ईटिंग ऑल अलोन, सो आई वाज मिसिंग माय फैमिली सो मच. देन दिस हैपेंड. आई नो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि सब लोग के काम वाम भी रुक चुके हैं. दैट इज रियली अनफॉर्चुनेट, बट देन इट वाज इम्पोर्टेंट. What can be done? It was important. Thank you, Hiba, for giving a precious time during this month, during this busy, hectic schedule. Thank you so much. All the best for the show, and all the best for the Roza, for the next few Rozas. Thank you. Thank you so much. Bye-bye. Bye.